हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक परमीबिलिटी इज द लाइन दैट पासिंग थ्रू द मैग्नेट्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक परमीबिलिटी। हाउ मच दे अलाउ द मैग्नेटिक लाइन टू पास थ्रू इट। हिंदी में आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई हमने मैग्नेट के लिए एक सब्सटेंस रखा और उसे एक्सटर्नल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसमें कितनी मैग्नेटिक लाइन पास करेंगी उसे मैग्नेटिक परमिबिलिटी कहा जाता है। अगर मैग्नेटिक परमिबिलिटी हम किसी जो मैग्नेट बना रहे हैं जैसे सब्सटेंस को वो किसी ऑयल में डालते हैं या किसी और चीज़ में डालते हैं तो हम रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं। पिक्टोरियली इसे इस तरीके देख सकते हैं, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये मैग्नेट है और इससे कितनी मतलब हमने बार रखा है ऑफ द सब्सटेंस। अगर आयरन बार रखा तो उससे कितनी लाइन पास कर रही है। शुरू में जब वो लाइन पास करते हैं तो उसे अपोज करता है, मगर कंटिन्यूसली जब सब्सटेंस को मैग्नेट फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज ज़्यादातर हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना उसकी ससेप्टेबिलिटी है, अगर ससेप्टेबिलिटी रहती है तो वो नज़र आती है। तो इस तरह की सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी कहते हैं, यानी कितनी मैग्नेट लाइन उसे अलाउ कर रहा है। तो हमारा नॉर्थ एंड साउथ बन जाता है, जैसे इस फिगर में देखेंगे आप, एक साइड से आपका अंदर की साइड से जो है साउथ फील्ड से नॉर्थ पोल बन जाता है और इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होने लगता है। In English, I can say as how much the line is allowed, how many magnetic lines are allowed in a specimen when it is placed in a magnetic field, that called the magnetic permeability. And if the substance is kept in a liquid, maybe oil, it may be ghee or any other thing, or any type of a liquid or a substance, then it is how much the magnetic lines is passing through it. That means if we keep it in a concrete and the substance and magnetic lines are passing at that time, we call it as the relative permeability. Yani agar hum jab substance ko kisi magnet banane ke liye ya to eet patthar mein rakhe hain aur use pass karaye to kitni wo line use pass karengi use magnetic permeability kaha jata hai. सब्सटेंस के साथ रखेंगे तो रिलेटिव परमिबिलिटी, अगर सिंपली एयर में रखेंगे तो सिंपल परमिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट इज द ससेप्टेबिलिटी। नाउ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज द इट इज द मेजरमेंट हाउ इजी अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स कॉल्ड द परमिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। It is sometimes represented by I and is directly proportional to the H, where I can say as the magnetic moments per unit volume we get. So it is observed that the large number of magnetic materials or the magnetic moments per unit volume is directly proportional to the applied magnetic field. How much you applied is directly I is directly proportional to H. Pictorially, I can represent it as I is directly proportional to H, or when we illuminate this proportional signs, X come, where X is the magnetic susceptibility, and or I can say as M is equal to HXH, that is the magnetic susceptibility. हिंदी में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी सब्सटेंस को हम क्या करें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कितनी जल्दी वो मैग्नेटाइज होता है उसे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहा जाता है। जैसे आयरन रखा आपने, सॉफ्ट आयरन रखा या हार्ड आयरन रखा, या फिर आप निकल रखा, कोबाल्ट रखा, सोडियम रखा, क्या रखा, कितना जल्दी वो मैग्नेटाइज होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाएगा, उसे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहा जाता है। इसे एक्स से रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एम जो है उसका कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनते हैं उसमें, एच जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, दैट इज एम, और आई इज इक्वल टू एक्स एम एच।
Xm is the magnetic susceptibility, H is the applied magnetic field, and I or M is the magnetic field. The substance for which Xm has the positive value are called as paramagnetic substance. जिन substance की value positive होती है M X M की, Xm जो है यानी magnetic susceptibility value 1 positive value, तो उसे paramagnetic substance कहा जाता है. Magnetic susceptibility of diamagnetic substance are negative. Those substance which having the negative susceptibility, they are diamagnetic. जो सब्सटेंस जैसे डायमैग्नेटिक में आपका आते हैं, ऐसे कह सकते हैं जैसे बिस्मिथ आयरन, सॉरी बिस्मिथ जिंक, कॉपर, सिल्वर, दीज आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. एग्जांपल फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीज एक्सेट्रा. इनकी सुसेप्टेबिलिटी जो है नेगेटिव होती है, यानी जब उसमें आप मैग्नेटाइज सब्सटेंस में रखेंगे तो इससे जो पास होंगे यानी कि मैग्नेटिक लाइंस को ये बाहर निकाल देगा और जल्दी से अपने आप मैग्नेटाइज नहीं होगा. फिर आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द हुज परमिबिलिटी इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, वेरी हाई एंड इज पॉजिटिव. एग्जाम्पल आर आयरन, दीज आर कॉल्ड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. हर एक के बारे में जो डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, इनके बारे में हम अलग पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल सो दैट दे गेट माई वीडियोज इन हिंदी एंड इंग्लिश ईजली, जिससे कि उन्हें आसान भाषा में समझने वाले फिजिक्स जो हैं वीडियोस मिलते रहें. थैंक यू.